ए बी सी डी ई एफ जी, उसमें से निकले पंडित जी, पंडित जी ने खोला पुराण, उसमें से निकले बाल हनुमान। जय हो जय हो। केसरी बड़ा महान, नहीं थी उसकी कोई संतान, अंजनी संग आश्रम में आया, ऋषि मातंग ने मार्ग बताया, वर्षों घोर तपस्या बाद पवन देव का आशीर्वाद, पाकर धन्य हुआ संसार, बाल हनुमान ने लिया अवतार, जंतर मंतर चितिया पट, बाल हनुमान बड़ा नटखट, सुपरमैन से पावरफुल, जैकी चैन से वंडरफुल, छोटे वीर की बाकी अदा, देखो हाथ में थामी गदा, जैक एंजल सैट ऑन अ हिल, अंजनी पुत्र इज फुल ऑफ थ्रिल, जैक फेल डाउन एंड हो गया ब्राउन, हनुमान इज टॉप ऑफ द टाउन, हम्प्टी डम्प्टी उनका फ्रेंड, लगा डूबने बज गया बैंड, महावीर ने युक्ति लगाई, अपने दोस्त की जान बचाई, नदी नाले और पहाड़, पलक झपकते करे वो पार, आग उगलता आया शैतान, भिड़ गया उससे बाल हनुमान, सुपर हीरो विद अ टेल, बाल हनुमान विल नेवर फेल। पुत्र हनुमान जी। माता श्री, मैं यहाँ पुकार रही हूँ, तो वहाँ कहाँ जा रहे हो पुत्र? वहाँ भी आ गया माता श्री। क्या हुआ पुत्र, कहीं लगी तो नहीं? इतनी ऊपर से गिरूंगा तो लगेगी ना माता श्री। किंतु तुम गिरे कैसे, तुम तो? माता श्री, मैं सोच रहा था जैसे मैं सीधा उड़ सकता हूँ, वैसे उल्टा उड़ सकता हूँ क्या? उल्टा उड़ने की कोशिश में गिर गया। ओफो, तुम हमेशा उल्टा काम क्यों करते हो पुत्र? उल्टा भी कोई उड़ सकता है क्या? क्यों नहीं माता श्री, जब मैं उल्टा कूद सकता हूँ तो उल्टा उड़ क्यों नहीं सकता? देखो, इसलिए मैं कह रहा था, ये यहाँ रहेगा तो कुछ ना कुछ उल्टा करता रहेगा। चलो पुत्र, हम लोग आश्रम में जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं पिताश्री, मैं यही अपने मित्रों के साथ खेलूंगा। परंतु तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगे? क्यों नहीं रहूंगा, मैं कोई डरपोक हूँ क्या? आप मेरी चिंता ना करें, निश्चिंत होकर जाएं। ठीक है, किंतु अब उल्टा उड़ने की मत सोचना, और भूख लगे तो फल खा लेना। किंतु याद रहे, पिछली बार की तरह कच्चे फल मत तोड़ना, लाल लाल पके हुए फल ही खाना। चलो प्रिय, वरना यज्ञ में पोस्ट में विलंब हो जाएगा। चलिए। आश्चर्य है, आज हमारे मित्र कहाँ रह गए? मैं खेलूं किसके साथ? वाह तितली, कल तुमने बाग में हम मित्रों को बहुत तोड़ाया था, आ जाओ। क्या करूं, हाँ बाग के फलों को चट कर जाता हूँ। अरे बाग के फल तो कच्चे हैं, अगर तोड़ दिया तो पिताश्री क्रोधित होंगे। पका हुआ फल कहाँ खोजू? वो रहा लाल लाल पका हुआ फल, काफी बड़ा है, इसे ही खा लेता हूँ, माता श्री के लौटने तक भूख नहीं लगेगी। गर्मी है यहाँ तो,
क्या करूं? हाँ, बादलों के अंदर से जाता हूँ, ठंडक मिलेगी। आह, कुछ ठंडक मिली, किंतु अब भी वो मुझसे दूर है। परंतु मेरी पहुंच से दूर नहीं, मैं उसे खा कर ही रहूंगा। अरे ये बालक सूर्य की ओर क्यों जा रहा है? वो भी मुंह खोले, आज अवस है। सूर्य को ग्रहण लगाना मेरा काम है, फिर इसे इसे रोकना होगा। ये बालक वहीं ठहर जाओ, तुम सूर्य की ओर कहां जा रहे हो? ओहो, तो इस फल का नाम सूर्य फल है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना माता श्री पूछती कौन सा फल खाया था तो मैं क्या नाम बताता। मूर्ख बालक, लौट जाओ यहाँ से, आज इसे ग्रहण लगाना राहु का काम है। मुझे भूख लगी है, ये भोजन ग्रहण करना मेरा काम है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। समझ कर समझा रहा, तो मुझे शक्ति दिखाना है। राहु का? हाँ, शक्ति। ये ओ, कोई मायावी बालक है तू। ये नहीं, तेरी माया और काया दोनों ध्वस्त हो जाएगी। पर लगता है तुम वैसे मानोगे। के बालक से भोजन नहीं छीनना चाहिए, समझ गए? महाराज इंद्र, महाराज इंद्र, महाराज इंद्र, महाराज इंद्र। इस तरह हमारा विश्राम भंग करने का कारण? महाराज इंद्र, मैं बहुत मुसीबत में हूं। तुम तो स्वयं एक मुसीबत हो रहा हो, तुम पर कैसी मुसीबत? और ये क्या, आज तो तुम्हें सूर्य को ग्रहण लगाना था। तुम्हें तो देखकर लगता है किसी ने तुम्हें ही ग्रहण लगा दिया है। हाँ महाराज, एक वानर सा दिखाई देता बालक सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उसकी ओर चला जा रहा है। वानर समान बालक सूर्य को खाएगा? हाँ महाराज इंद्र, मेरा विश्वास करो। विश्वास करना ही होगा। राहु जिससे मार खा सकता है, वह सूर्य को भी खा सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो इस संसार का क्या होगा? हमें उसे रोकना होगा। चलो। मुझे रोकने का परिणाम अपने मित्र से पूछ लो। मैं वो नहीं कि डर जाऊं। मैं भी वो नहीं हूं कि रुक जाऊं। किंतु तुम्हें रोकना मेरा काम है। अपनी भूख मिटाना मेरा काम है। तुम सूर्य को छू भी नहीं सकते। मैं छूना चाहता भी नहीं हूं। मैं तो उसे खाना चाहता हूं। रुक जाओ बालक, रुक जाओ। किंतु तब तक नन्हे हनुमान सूर्य को अपने मुंह में भर लेते हैं। ये देखते ही इंद्रदेव अपने वज्र से उन पर प्रहार करते हैं। प्रहार से आहत हनुमान की चीखते ही सूर्य हनुमान के मुंह से निकल जाते हैं और नन्हे हनुमान मूर्छित होकर धरती पर गिरने लगते हैं। तभी पवन देव आकर उन्हें अपनी भुजाओं में थाम कर एक गुफा में ले जाते हैं। पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान, हो मेरे पुत्र की ये दुर्दशा, हो ये तो इंद्रदेव के वज्र का प्रभाव प्रतीत होता।